warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Hope you are fine. Unit number 8, changes in matter discuss कर रहे थे हम अपने previous lecture में. हमने matter के अंदर changes को जो है वो discuss किया था और हमने देखा था examples के through हमने matter में changes देखी थी और इन changes को हमने two types में जो है वो divide किया. आज जो है हम type of changes को discuss करने जा रहे हैं. There are two types of changes in matter. Number one, physical change. Number two, chemical change. इससे previous lecture में हमने जो examples देखी थी उन examples में कुछ change जो है वो physical change था और कुछ change जो है वो chemical change या उसे हम क्या कहते हैं chemical reaction भी कहते हैं. ठीक है, वो हमने कुछ example chemical change और chemical reactions भी देखी थी. चलिए हम देखते हैं कि फिजिकल चेंज हम किसे कहते हैं और केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं. क्या होता है फिजिकल चेंज में? इन द फिजिकल चेंज ओनली द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल चेंजेस. ठीक है, कल हमने देखा था मैटर में जो चेंजेस आती हैं वो चेंजेस जो हैं वो हमें किस किस तरीके से नज़र आती हैं. या तो मैटर के अंदर क्या चेंज होता है, स्टेट चेंज हो जाती है, कलर चेंज होता है, टेस्ट चेंज होता है. ठीक है, अगर इस तरह का चेंज आए जिसमें आपके पास क्या चेंज है, ओनली बिहेवियर पार्टिकल का चेंज हो रहा है, या तो स्टेट चेंज हो रही है या कलर चेंज हो रहा है या स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. ठीक है, और कॉम्पोजिशन सब्सटेंस की चेंज नहीं होती, बनावट चेंज नहीं होती, ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज. ठीक है, तो इसके अंदर सब्सटेंस का सिर्फ बिहेवियर चेंज हो रहा है लेकिन आपके पास कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो, ऐसा चेंज क्या है, फिजिकल चेंज. और इस चेंज की वजह से नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. ठीक है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. इस चेंज के अंदर आपके पास जो सब्सटेंस बनता है उसके अंदर वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सब्सटेंस चेंज होने से पहले जो सब्सटेंस के अंदर प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. नंबर थर्ड हमने देखा था इस चेंज के अंदर और क्या प्रॉपर्टी है, फिजिकल चेंज इज ईजी टू रिवर्स. देखा था ना हमने, आसानी से हमने एग्जाम्पल्स में हमने देखा कुछ चेंज को हमने आसानी से जो है वो क्या कर लिया था, रिवर्स कर लिया. जैसे हमने देखा आइस है, आइस को जो है हमने वाटर में और वाटर को आइस में. ठीक, इसी तरह वाटर को स्टीम में या वेपर्स में और वेपर्स को दोबारा जो है हम वाटर में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ऐसा चेंज क्या है, फिजिकल चेंज, इसको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं. मेल्टिंग ऑफ आइस की भी एग्जांपल देखी थी आपने, आइस मेल्टिंग ऑफ आइस और मेल्टिंग ऑफ वैक्स देखा था आपने. वैक्स में भी हमने क्या किया था, हीट किया तो मेल्ट जो है वो क्या मेल्ट हो गई थी वैक्स, लेकिन उसके बाद जब मैंने उसे कूल किया वैक्स को तो दोबारा क्या हो गई, सॉलिडिफाई हो गई. ठीक, तो ये चेंज जो है वो इजीली रिवर्सिबल है. इसके बाद होता क्या है इसके अंदर में, इसके अंदर एट द एक्चुअल पार्टिकल आर द सेम थ्रू आउट द प्रोसेस. पार्टिकल्स जो होते हैं वो पूरे प्रोसेस में क्या है, सेम होते हैं, चेंज नहीं होते. इसीलिए क्या हो जाते हैं, वापस जो है वो अपनी दोबारा अपनी असल हालत में दोबारा वापस आ जाते हैं. ठीक है, तो जितनी भी मेल्टिंग की और डिसॉल्विंग की एग्जांपल है वो किस में आती है, फिजिकल चेंज में. जैसे कल हमने मेल्टिंग ऑफ आइस देखा था, मेल्टिंग ऑफ वैक्स देखा था, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर या सॉल्ट जो है वो भी किसकी एग्जांपल है, फिजिकल चेंज की. एक और एग्जांपल आती है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, ये भी किसकी एग्जांपल है, फिजिकल चेंज की. चलिए इसको भी मैं एक्टिविटी के थ्रू आपको बता देती हूँ. ठीक है, ये देखिए मेरे पास मिक्सचर है सॉल्ट और सैंड का. सॉल्ट नमक और सैंड किसको कहते हैं, रेत को. मैं चाहूँ कि इसको दोबारा रिवर्स कर लूँ. कैसे रिवर्स कर लूँ, दोबारा इसके अंदर से, इस मिक्सचर के अंदर से सॉल्ट और सैंड को अलहदा कर लूँ तो क्या कर सकती हूँ, जी हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ. ठीक है, क्योंकि ये चेंज कौन सा चेंज है, फिजिकल, क्योंकि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है इसके अंदर. तो इसको मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, दोबारा से इन दोनों को अलहदा कर सकती हूँ. कैसे करूँगी देख लेते हैं. सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस जो मिक्सचर जो मैंने बनाया है इसको मैं वाटर में इसको मिक्स कर रही हूँ. ठीक है, वाटर के अंदर मैंने डाल दिया. अब होगा क्या, सॉल्ट जो है वो, अब आप लोग जानते हैं सॉल्ट जो है वो क्या हो जाती है, वो
वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो सॉल्ट तो इसके अंदर डिसॉल्व हो गई और सैंड लेकिन इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको दोनों को अलहदा करने के लिए सबसे पहले जो वाटर के अंदर सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होता उसको अलहदा करना। किस तरह से करते हैं उसको अलहदा? फिल्ट्रेशन के ज़रिए। प्रोसेस कहलाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, ये है मेरे पास फ़िल्टर पेपर्स मौजूद हैं। इस फिल्टर पेपर को इस तरह से मैं फोर्स जो है वो पार्ट्स में यूं करके डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें, इसका ये कोन बन गया, ठीक। इसको मैं किसके ऊपर रखूँगी, यहाँ पे हमारे पास फ्लास्क मौजूद है, इसमें मैंने रख दिया। इसके नीचे मैंने क्या रखा है, चाइना डिश। अब जिस जो मैंने ये मिक्सचर बनाया है इसको मैं फ़िल्टर कर रही हूँ, ठीक है। फ़िल्टर पेपर से गुजारूँगी, क्या होगा जी बताएं? वाटर इसके अंदर से पास हो जाएगा और वाटर के अंदर जो भी चीज़ डिसॉल्व हुई है वो पास हो जाएगी, यानी सॉल्ट जो मैंने लिया था वो डिसॉल्व है, वो पास हो जाएगी। लेकिन जो सॉल्ट के साथ, इसके साथ हमने सैंड डाला था, वो इसके अंदर क्या नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो है वो इस फिल्टर पेपर से पास आउट नहीं हो सकती, ठीक। आप देख रहे होंगे आपको सॉल्यूशन जो है वो कितना क्लियर नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये देखें। जो आपको सैंड है वो कहाँ मिलेगी, फ़िल्टर पेपर के ऊपर मिलेगी। पूरा वाटर जो फ़िल्टर हो जाएगा तो आप देखिएगा कि फ़िल्टर पेपर पे हमें क्या मिल जाएगी, सैंड। और फ़िल्टर पेपर से चाइना डिश में जो आपके पास मिक्सचर पास आउट हो रहा है, फिल्ट्रेट भी इसे हम कहते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ वाटर और क्या मौजूद है हमारे पास, सॉल्ट मौजूद है, ठीक है। सैंड को हमने अलहदा कर दिया, ठीक है। ये देखें फ़िल्टर पेपर पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आ रही है, ये देखें सैंड नज़र आ रही है, ठीक है। सैंड को हमने अलहदा कर लिया और इसी तरह से अब यहाँ पे ये चाइना डिश में क्या मौजूद है, वाटर और सॉल्ट मौजूद है। अब मैं इसमें से सॉल्ट को भी अलहदा कर सकती हूँ, कैसे अलहदा करूँगी, बाय एवापोरेशन, ठीक। यानी कि इस सॉल्यूशन को मैंने क्या करना है, हीट करना है। हीट करूँगी तो वाटर सारा एवापोरेट हो जाएगा और हमें सॉल्ट भी मिल जाएगी, ये भी देख लेते हैं। देखें अब मैंने जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन को हीट करने के लिए रख दिया है, ठीक है। ट्राईपॉड स्टैंड पे चाइना डिश को रखा है और अब मैं इसे बर्नर के ज़रिए हीट कर रही हूँ। अब आप देखिएगा कि हीटिंग करने से वाटर क्या होना शुरू होगा, एवोपरेट होना शुरू होगा और वाटर सारा एवोपरेट हो जाएगा और आपको सिर्फ क्या मिल जाएगी, सॉल्ट मिल जाएगी। ये देखें आपको वाटर एवोपरेट होता हुआ नज़र आ रहा है, वाटर कुछ वाटर एवोपरेट हो गया है और चाइना डिश की वॉल्स में जो है वो आपको सॉल्ट नज़र आ रही है। अब जब ये कम्प्लीटली एवोपरेट हो जाएगा वाटर, तो पूरी चाइना डिश में सिर्फ हमें क्या नज़र आएगी, सॉल्ट नज़र आएगी, ठीक है। देखें वाटर एवोपरेट हो रहा है, नज़र आ रहा है, अच्छा खासा वाटर एवोपरेट हो चुका है और जो है आपको ये वाइट वाइट जो नज़र आ रही है सब्सटेंस, ये क्या है, सॉल्ट है सारी, ठीक। चाइना डिश पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको चाइना डिश में क्या मिलेगी, सॉल्ट मिलेगी। इससे पहले हमने जो है वो सैंड को फ़िल्टर पेपर पर जो है वो हासिल कर लिया था बाय फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के ज़रिए, और अब जो है इस मिक्सचर के अंदर जो हमने सॉल्ट डाला था उसको हमने एवोपरेशन के ज़रिए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एवोपरेशन, के वाटर को हमने क्या किया है, हीट किया है, वाटर एवोपरेट हो गया और अब जो है चाइना डिश में हमें क्या नज़र आ रही है, सॉल्ट नज़र आ रही है, ठीक। तो इस तरह से जो है इसको हमने क्या कहा, ये कौन सा चेंज है, फिज़िकल चेंज। क्यों है फिज़िकल चेंज, सबसे पहले तो हमने ये देखा कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ और आपके पास मिक्सचर में जो है वो सैंड और सॉल्ट जो है वो मौजूद थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी और इसको हमने रिवर्स भी कर लिया, ठीक है। देख लें पूरा वाटर एवोपरेट हो गया और अब सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, यहाँ पर सॉल्ट मौजूद है, ठीक है। चलिए जी अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो देखी थी और वो किसकी एग्जाम्पल्स थी, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस में, आपके पास इन द केमिकल चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज। कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं हमारे पास जिसके अंदर सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, ठीक है। और ऐसा चेंज जिसके अंदर सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए वो चेंज क्या कहलाता है, केमिकल चेंज। कॉम्पोजिशन अगर चेंज हो गई, उसकी बनावट चेंज हो गई सब्सटेंस की, तो फिर उस कॉम्पोजिशन चेंज होने की वजह से न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है।
तो इस चेंज के अंदर, केमिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे होते हैं और केमिकल चेंज को हम क्या कहते हैं, हम इसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते, दोबारा इसको चेंज, इस चेंज को रिवर्स करना जो है वो तकरीबन इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो केमिकल चेंज इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिवर्स। इसी तरह से होता क्या है केमिकल रिएक्शन में, अ केमिकल रिएक्शन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम की रीअरेंजमेंट है यहाँ पे, बट एटम देमसेल्व्स आर नॉट चेंज। इसके अंदर एटम जो है वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं और अपनी कॉम्पोजिशन बनावट चेंज कर लेते हैं, लेकिन एटम जो है इसके अंदर चेंज नहीं होता। आप देखेंगे कि सब्सटेंस जब कंबाइन हो रहे होते हैं, कंबाइन होने से पहले, रिएक्शन से पहले जो एटम आपके पास रिएक्शन से पहले हैं वही रिएक्शन के बाद होते हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से क्या बन जाता है, आपके पास सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है और न्यू सब्सटेंस क्या हो जाता है, फॉर्म। और अब जो न्यू सब्सटेंस बनता है इसके अंदर जो है वो उन सब्सटेंस की कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होती जिनसे ये मिलकर बने हुए होते हैं, तो इसीलिए इस रिएक्शन को, इस चेंज को केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा जी, रिएक्शन से पहले जो आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और जब कंबाइन होने के बाद या रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। देखें जिस तरह से कल हमने देखा था, ये भी एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी, कार्बन या फिर हमने चारकोल लिया था, जब मैंने उसको बर्न किया, हीट किया, तो हीटिंग के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन से जो है वो कार्बन कंबाइन होता है और क्या बन जाता है, प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर कार्बन रिएक्शन से पहले भी यही दो आइटम हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, रिएक्शन के बाद भी यही दोनों आइटम हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपने आप को रीअरेंज कर लिया है, दोनों कंबाइन हो गए हैं और कंबाइन होने के बाद एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर दिया है और कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है सब्सटेंस की। अब इसके अंदर ना तो कोई कार्बन की प्रॉपर्टी है ना कोई ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, न्यू प्रॉपर्टीज जो है वो इस प्रोडक्ट में आ जाती हैं। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। चले जी, एक और एग्जाम्पल मैंने आयरन में रस्टिंग वाली दी थी, रस्टिंग ऑफ आयरन की भी दी थी आप लोगों को, उसके अंदर भी आपने देखा था आयरन के अंदर रस्टिंग का प्रोसेस होता है, और क्यों होता है, आयरन भी किसके साथ कंबाइन होता है, एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ, और हमने देखा था आयरन ऑक्साइड या रस्ट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हमने वहाँ पर भी क्या देखा था, रिएक्टेंट में आयरन और ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट में भी जो है वो आयरन और ऑक्सीजन ही मौजूद थे, ठीक, लेकिन उनकी क्या चेंज हो गई थी, एटम की अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से आपके पास, या उन दोनों के कंबाइन होने की वजह से न्यू प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो गया था। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास आयरन है, आयरन को और सल्फर को जब हम कंबाइन करते हैं तो आपके पास कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जब हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने से क्या है, आपके पास न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आयरन सल्फाइड, ठीक है। और ये आयरन सल्फाइड जो है इसके अंदर ना तो कोई आयरन की प्रॉपर्टी मौजूद है ना ही सल्फर की। एक्टिविटी के थ्रू देख लीजिए जी, देख लें एक्टिविटी, आयरन फिलिंग्स है हमारे पास और इस आयरन फिलिंग्स के साथ जो है मैं सल्फर को कंबाइन कर रही हूँ, ठीक है, ये सल्फर गंधक जिसे कहते हैं, ये है सल्फर, ठीक। अब अभी तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मैं मिक्स कर रही हूँ, रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन कब होगा, जब मैं इसे क्या करूँगी, हीट करूँगी। और मैं रिएक्शन से पहले आपको दिखा दूँ कि अब मैं रिएक्शन से पहले आपके पास इसमें आयरन की प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं और सल्फ़र की भी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। अब अगर मैं आयरन फिलिंग्स को और सल्फ़र को अलहदा करना चाहूँ तो अलहदा भी कर सकती हूँ, रिवर्स कर सकती हूँ, अभी क्योंकि रिएक्शन नहीं हुआ है। कैसे रिवर्स कर सकती हूँ कि अगर मैं इसमें से आयरन फिलिंग्स को अलहदा करना चाहूँ तो ये मैग्नेट है, मैग्नेट का पता है आपको, मैग्नेट जो है वो आयरन और आयरन से बनी हुई तमाम चीज़ों को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये आयरन फिलिंग्स के करीब जब मैं ये मैग्नेट लेके जाऊँगी तो आयरन फिलिंग्स क्या होंगी, ये देखें इसके साथ अट्रैक्ट हो गई हैं, और है ना, इस तरह से सारी आयरन फिलिंग्स को मैं इस मिक्सचर में से अलहदा कर सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे इसे अलहदा नहीं करना, मुझे रिएक्शन करवाना है, सही है। अब मैंने क्या करना है, इनको रिएक्ट करवाना है, और रिएक्ट करवाने के लिए मैं इसे हीट करूँगी, चाइना डिश में जो है वो मैं
आयरन और सल्फर जो है वो डाल रही हूँ। और अब मैं इसे करूँगी हीट। हीट करने के लिए मैंने इसे ट्राईपॉड स्टैंड पे रख दिया है और बर्नर जो है वो उसके नीचे रख दिया। हीटिंग करना है अब हमें इसे। हीट करने से आप देखिएगा कुछ वक्त के बाद जो है वो सल्फ़र जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा। जो येलो येलो से सल्फ़र नज़र आ रहा है वो गायब हो जाएगा और आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या मिल जाएगा, ब्लैक कलर का जो है वो सब्सटेंस मिलेगा। लेकिन देखें हमने हीट करा है आयरन और सल्फ़र को, आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सल्फ़र जो है वो डिसअपेयर हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन हो रहा है, सल्फ़र डिसअपेयर हो रहा है और अब जो है पूरा जो आपको प्रोडक्ट है ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है सब्सटेंस। ठीक है, देख लेते हैं आगे इसको मैग्नेट के ज़रिए अट्रैक्ट करके। देखें ये आयरन सल्फाइड है। अब चेक करने के लिए कि अब ये आयरन सल्फाइड आपके पास मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। अगर इसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी, इसके अंदर आयरन की प्रॉपर्टी मौजूद होगी तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा और अगर नहीं है तो नहीं होगा। इसका मतलब देख लेते हैं हम पहले तो अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। ये देखें कोई अट्रैक्शन नज़र आ रही है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है, अब ये इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर ना तो सल्फ़र है ना ही आयरन है, बल्कि दोनों ने कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया जिसे हम क्या कहते हैं, आयरन सल्फाइड। और ये चेंज कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ चेंजेस हमने डिस्कस कर ली। हमारे पास टू टाइप्स की चेंजेस होती हैं, एक चेंज कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज, और एक क्या है, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में हमने देख लिया कि ऐसा चेंज है जिसके अंदर जो है पार्टिकल्स का जो है सिर्फ बिहेवियर चेंज होता है, वो कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती और इस वजह से कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। केमिकल चेंज में हमने देखा है कि कॉम्पोजिशन ही सब्सटेंस की क्या है, वो चेंज हो जाती है और जिसकी वजह से न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होते हैं। फिजिकल चेंज को हमने क्या देखा कि इजी आसानी के साथ हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज को जो है वो आसानी के साथ रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स जो है वो पूरे प्रोसेस में जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। हालांकि केमिकल रिएक्शन में भी जो है वो एटम, जो एटम रिएक्टेंट में है वही प्रोडक्ट में मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी रीअरेंजमेंट हो जाती है जिसकी वजह से आपके पास न्यू सब्सटेंस फॉर्म। और रिएक्शन से पहले जो मास होता है सब्सटेंस का या रिएक्टेंट का, हमेशा प्रोडक्ट का भी मास जो है उतना ही होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ, हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में जो है कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। चलिए जी, उम्मीद है कि आज का टॉपिक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। आपका होमवर्क क्या है, डू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और बी करना है और क्वेश्चन नंबर 2 करना है और इसको जो है वो याद भी करना है। ठीक है, यूनिट 8 का है ये टॉपिक्स। चलिए देख लेते हैं बुक में, पेज नंबर 82 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और बी है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। और बी क्या है, हाउ डू वी नो डैट अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। इसका आंसर जो है वीडियो अगर आप गौर से देखेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा और बुक में भी जो है वो आपको इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 73 पे। ठीक है, गौर से जो है वीडियो भी देखें और इस पेज को रीड भी कर लीजिएगा। इसके बाद नंबर 2 है, राइट वेदर द फॉलोइंग चेंजेस आर फिजिकल और केमिकल। अब मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है क्या होता है फिजिकल चेंज और क्या होता है केमिकल चेंज। अब यहाँ चेंजेस दी हुई हैं, अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सा जो है चेंज फिजिकल है और कौन सा चेंज जो है वो केमिकल है। ठीक, चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।